हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या मतलब? मैं ज्यादा चिकना हो रहा हूँ? रिपस मत जाना इस पे, कहीं पगले पिसल जाए। अरे भाई लाड़ लो दुलारो, आज क्या है थोड़ी तबीयत सी खराब थी, रात को फीवर हो गया था, बोल रहा है पेट में दर्द, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। बाकी मैं मान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लमों को, राशन पानी लेके छड़ रहे हो। कहां तक हुआ था मैडम? सारोमती का विवाह हो गया, सारे काम इच्छा के विरुद्ध ही होते हैं मेरे भाई। अच्छा अच्छा, हाँ भाई कहां तक बताया था लास्ट, फटाफट बोलो एक बार। अरे बोल दो, कोई बात कौन ब्याह हो गए ना इच्छा के विरुद्ध, कोई बात नहीं। नंबर दो, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध। क्वेश्चन आता है काफी बार कि औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करने वाला मेवाड़ का सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा विरोध करने वाला शासक कौन था? अरे क्या चक्कर है भाई, चल्लू क्यों नहीं भाई? एक बार बाहर बोलना, बाहर बोलना नहीं कि इसको चल्लू तो कर दे कैमरे को। तो भाई छोरे कह रहे हैं कि सर अभी मिस्टर इंडिया हो रहे हो, बोल देना बेटा एक बार बाहर। एक लाइन और लिखो, औरंगजेब की हिंदू मंदिर तोड़ने के नीति के विरुद्ध, या फिर औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने का विरोध, औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने का विरोध। ऑन ही है माइक तो? अरे भाई साहब स्क्रीन नहीं चल रही। यस इधर को, ये टोटल 100/98 क्या लिख रखा है, लिख लिया भाई क्या लिखा है बेटा? औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने का विरोध। ये सारे काम करने वाला कौन था? एक लाइन लिखो नीचे की लाइन से, राजसिंह ने औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने के स्थान पर, राजसिंह ने औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने की नीति के स्थान पर निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया। निम्न मंदिरों का निर्माण करवाया। नंबर एक, राजसिंह के द्वारा पहले नंबर पर एक मंदिर बनवाया गया था, अंबा भवानी मंदिर। तो लिखो बेटा नंबर एक पे कौन सा? अंबा भवानी मंदिर। अंधा मत लिखो, अंबा लिखना है, अंबा भवानी मंदिर। कौन सा मंदिर? अंबा भवानी मंदिर, लिख लिया भाई। नंबर दो, श्रीनाथ जी का मंदिर, कहां पर? सिहाड़, राजसमंद। नंबर तीन बेटा, नाथद्वारा में, तो ये राजसमंद कहां है? नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में ही है ना? क्या मम्मी पापा का नाम ले तो सीता दादा का नाम लो ना, दुनिया पहचाने, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आता है द्वारिका, दीजी का मंदिर,
द्वारिकाधीश जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा के अंदर एक स्थान पड़ता कांकरोली। कौन सा है भाई? कांकरोली के अंदर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों। कहां पर? कांकरोली में। और कांकरोली की अगर बात करी जाए तो कांकरोली वर्तमान में जेके टायर, कौन सा? जेके टायर ट्यूब का राजस्थान का सबसे प्राचीनतम कारखाना है। बात यह थी कि जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे तो सबसे पहले औरंगजेब की सेना ने वृंदावन में, किसके ऊपर? वृंदावन के अंदर जो भगवान कृष्ण का जो मंदिर था उस मंदिर को तोड़ने के लिए गई थी इसकी सेना। तो वहां के जो गोस्वामी थे उन्होंने यहां से भाई साहब भगवान कृष्ण की दोनों मूर्तियां ली और वृंदावन से लेकर के सीधा कहां पर आ गए? मेवाड़। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह। कौन था भाई? राज सिंह को लाकर के जब इसने सौंपा तो राज सिंह ने भगवान कृष्ण की ये दोनों मूर्तियां दो अलग अलग स्थानों पर स्थापित करवाई थी, जिनमें से एक का नाम तो है श्रीनाथ जी का मंदिर और दूसरा है द्वारिकाधीश जी का मंदिर। द्वारिकाधीश जी का मंदिर वैसे प्रॉपर अगर पूछा जाए तो प्रॉपर स्थित है ये नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा में भी एक टाउन पड़ता है जिसका नाम क्या है? कांकरोली। कांकरोली के अंदर ये मंदिर है और कांकरोली है वो राजस्थान में जेके टायर ट्यूब का सबसे प्राचीनतम क्या माना जाता है? कारखाना। तो नीचे लिखो इसमें एक द्वारिकाधीश जी, लिख लिया ना? द्वारिकाधीश जी को अंडरलाइन करके लिखो, कांकरोली के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? कांकरोली में स्थित है। एक लाइन और लिखो कि कांकरोली में वर्तमान में जेके टायर ट्यूब का प्राचीनतम कारखाना है। प्राचीनतम क्या है भाई? कारखाना है जेके टायर ट्यूब का। क्या है भाई? कारखाना। एक लाइन और लिखो, मारवाड़ के महाराणा अजीत सिंह को क्या अलग से है बेटा? मारवाड़ के महाराणा अजीत सिंह को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान इसी का था। सबसे बड़ा योगदान इसी का था। अरे सबसे बड़ा योगदान किसका था बेटा? इसी ने भाई साहब औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को मेवाड़ में क्या दी थी? शरण। तो कितना कारण हो गए? चार हो गए। नंबर एक, चारुमति से विवाह करना। नंबर दो, औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध इसने भाई साहब किसको? दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को शरण दी। नंबर तीन, जजिया कर का विरोध। नंबर चार, हिंदू मंदिर तोड़ने का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला राजा कौन था? राज सिंह। कौन था भाई? मैंने आपको इसके बारे में राजसमंद झील बता दी, राजसमंद झील पे बना हुआ नौ चौकी पाल थी वो बता दी, राज प्रशस्ति बता दी ना। अरे मेरे भाई आज बोलने की इच्छा नहीं है, इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तारी ईमानदारी से बताओ था ना, होली खेलवा के चक्कर में फड़े भी सके था? पढ़ाई करी थी क्या? नहीं करी ना, जब ही तो पता नहीं है तुमको। मैंने छोटा से पूछा, मैंने होली खेले हो? कौन खेला? और शाम को तो फोटो डाली तो भगवान सोगन सकल को बिचाने की छोरो जाए छोरी जाए क्या? ऐसे घूर के मैडम ऐसे देख रही है क्या? मैडम आगे लिखो, यहां तक की बात हो गई ना बेटा? आज देखो इतना ही है। राज सिंह में क्या पढ़ोगे? लिखो राज सिंह के दरबारी विद्वान। राज सिंह के दरबारी विद्वान। लिख रहे भाई?
एक एक नाम से लिखो। नंबर एक नेकाराम, नंबर एक पे लिख नेकाराम। नेका नेता इसीलिए कहता हूं साला आपसे आगे जो भी टॉपिक शुरू करूंगा ना शासक को कभी बीच में नहीं छोड़ू, चाहे 5 मिनट फालतू लेनी पड़ जाए क्लास, पढ़ाने का इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया पूरा। नंबर एक पे क्या लिख लिया? नंबर दो पे लिखो रणछोड़। नंबर रणछोड़ दास, रणछोड़ भट्ट लिख लिया। देख छोरी ने दास लिखा है। तीसरे नंबर पे लिखो सदाशिव। क्या लिखोगे? सदाशिव। कौन था भाई? और लास्ट एंड फाइनल लाइन लिख लो कि 1680 में, 1680 में राज सिंह को जहर देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई बेटा? इसके बाद में लिखो महाराणा जय सिंह। अब छोटे शासक आ गए सारे। कोई काम नहीं करा इसने, इसकी जिंदगी में 3 काम अच्छे करे हैं बस। कितने काम? जिनमें से एक का काम तो आपने सुनी सका है, राजसमंद, वो सॉरी जयसमंद झील। एक तो जयसमंद झील बनवाने वाला ये व्यक्ति था। सबसे पहले अपने पूर्वजों की जितनी भी नीतियां थी उनका परित्याग करके इसने मुगलों के साथ मधुर संबंध स्थापित करे। सबसे पहले मेवाड़ के ऊपर से जजिया कर इसी के समय समाप्त हुआ। बस ये 3 काम इसने इसकी लाइफ के अच्छे करे थे, बाकी कोई काम नहीं करे। तो ध्यान से रखना कि ये राज सिंह का पुत्र था। किसका था भाई? अरे किसका पुत्र है? राज सिंह का पुत्र। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था क्या हुआ था भाई? कहां पर हुआ था? 1680 में हुआ था, कुरंजा गांव। एक गीत और आता है ना बेटा, कुरंजा गीत। कौन सा गीत है ये? श्रृंगारी गीत, वैवाहिक गीत, व्रय गीत, ये स्मरणीय गीत। जो अपनी पति की याद में गाती हैं। वाह, ये भाई को पूरा टैलेंट है। लेकिन सर जिस लड़की की सगाई हो गई और शादी ना हुई हो वो विरह में गाती है। अरे बाबू तो पता से ब्याह होने से आगे पीछे, मतलब तूने कभी जिंदगी में कोई विरह गीत गाया है क्या? ये विरह गीत है। कुरंजा नाम का एक पक्षी होता है, ठीक है? कुरंजा नाम का पक्षी होता है कि जैसे नई नई शादी होती है, पति परदेश कमाने चला जाए। कहां चला जाए? पहले क्या था कि बेटा आजकल क्या है, फिर भी नंबर डायल करने के बाद दूसरी जगह रिंग चली जाती है गलती से। पहले कबूतर को इतना पाठ पढ़ाया जाता था, कबूतर जा जा जा, 3 बार कहते कबूतर चला जाता था, जाके उसी आदमी से मिलता था जिसको वो चिट्ठी देनी होती थी। आज के दिन में किसी को फोन करके देख ला, कहते कोई मम्मी उठाओगी, कह कोई को भाई उठाओ। और फिर नाम भी ऐसे ऐसे सेव करते हैं, बैटरी हाफ, अकाउंट नंबर है कि नहीं, मैंने काफी लोगों का देखा है। तो ये बोला होता है जब पति परदेश कमाने के लिए जाता है ना, और जब पत्नी की नई नई शादी होती है, पागल हो गए इसको। राज्याभिषेक कब हुआ? 1680 में, कुरंजा गांव राजसमंद। कहां पर हुआ था? कुरंजा गांव राजसमंद। देखो बेटा सबसे पहले याद रखना, मेवाड़ पर से जजिया कर, कहां से बेटा?
मेवाड़ पर से पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त करवाने वाला राजा कौन था? ये बंद। इसने जजिया कर को समाप्त करवाने के उद्देश्य से मुगलों को अपने तीन क्षेत्र किसमें दिए थे? इसने भेंट में दिए थे कि भैया मैं आपको मेवाड़ के तीन क्षेत्र देता हूं, आप मेवाड़ पर से जजिया कर को क्या कर दो? समाप्त। याद क्वेश्चन दो, याद रखने आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कि मेवाड़ के ऊपर सबसे पहले पुणे जजिया कर जो लगाया गया था, पुणे जजिया कर किसके समय लगा? राज सिंह के समय। मेवाड़ पर से जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसके समय किया गया? जय सिंह के समय। दो तो ये याद रखना। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, इसने कौन सी झील बनवाई थी? अरे कौन सी? जयसमंद झील। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अरे कौन सी? कितने टापू हैं? कितने टापू हैं? सबसे बड़ा टापू कौन सा? बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटा? प्यारी। एकमात्र ऐसी झील रही है राजस्थान की, है राजस्थान की पहली ऐसी झील जिसके ऊपर सबसे पहले सौर वेधशाला का निर्माण हुआ था। कौन सी वेधशाला? सौर वेधशाला का निर्माण इसी झील के किनारे हुआ था। प्लस सबसे पहले राजस्थान के अंदर नावों का प्रयोग, किसका प्रयोग? नावों का प्रयोग इसी झील में किया गया था। इससे पहले अब तो हमारे नाव यहां भी चलने लग गई, जल महल में भी, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में जो नौकायन शुरू हुआ था ना, वो सबसे पहले कौन सी झील में हुआ था? जैसलमेर झील के किनारे। ये राजस्थान की और सबसे मीठी, राजस्थान की मीठी पानी की झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठी पानी की क्या मानी जाती है? ये झील। इस झील को कहते हैं कि ये झील हमारे इतिहास के अंदर कैसी मानी जाती है? कृत्रिम। कैसी मानी जाती है? लेकिन हमारे यहाँ के शिलालेखों को पढ़ने के बाद में पता चलता है कि ये झील प्राकृतिक थी। कैसी थी भाई? तो ध्यान रखना, दोबारा देख लेना, महाराणा जय सिंह की बात कर रहे हैं। शासनकाल कब से कब तक था? किसका पुत्र था? राज्याभिषेक कब हुआ था? कौन से गांव के अंदर? मेवाड़ पर से सबसे पहले क्या समाप्त करवाया? इसने कौन सी झील का निर्माण करवाया? जैसमंद झील। कौन सी नदी के किनारे? कितने टापू हैं? सबसे बड़ा टापू, सबसे छोटा टापू, मीठे पानी की क्या है ये? सबसे पहले यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया और सबसे पहले कैसे लाई गई थी? सबसे पहले नावों को यहीं पर चलाया गया था और सबसे पहले राजस्थान की सबसे प्राचीन सौर वेधशाला है वो इसी झील के किनारे स्थापित थी। क्योंकि नाइट को ज्यादातर, क्योंकि विदेशी लोग होते हैं ना, अपने नाइट को सोते हैं, ठीक है, और दिन में घूमते हैं। उनका उल्टा सिस्टम है विदेशियों का, वो साले दिन में खर्राटे लेते हैं और रात को जागते हैं पूरी पूरी रात, मतलब घूमते फिरते हैं, ठीक है ना भाई, ऐसा सिस्टम। आगे देखो बेटा, ली थी मैंने 16 मार्च को, तू आया नहीं था क्लास में। कौन कौन आए थे 16 मार्च को क्लास में? ये मैं आया था और जब तक आप थे, कौन कौन आया था क्लास में 16 मार्च को? ऊपर हाथ खड़े करो। मैं उस दिन 4 टॉपिक पढ़ा था, तो पढ़ा हुआ मान लो आप, सीधा आगे पढ़ा लेते हैं। ये वही लोग आए थे जो एक दिन पहले कह रहे थे ना कि सर एलर्जी है, रंग नहीं लगवाएंगे। दूसरे दिन रंग लगवाने वाले वही बच्चे जिनके एलर्जी थे ना, वही आए थे और सबसे ज्यादा रंगीन होके गए थे ना। वो कौन कौन थे जिन्होंने होली खेली थी? एक हमारे थे, मेरे को फोन करके बुलाया, नहीं सर बच्चे होली नहीं खेलेंगे। मैंने कहा सर बिल्ली को दूध की रुखाली करने के लिए छोड़ोगे तो बिल्ली तो दूध पिएगी पिएगी, आज होली का त्यौहार है, बच्चे मानने वाले थोड़ी है। गलत है भाई। तो आगे लिखो भाई, सर होली का करिश्मा है या कुछ और? आप स्मार्ट लग रहे हो। लिखो बेटा, महाराणा राज सिंह में, जिसमें जय सिंह में राज सिंह का पुत्र था। राज्याभिषेक में लिखो 1680 कुरंजा गांव राजसमंद, कुरंजा गांव राजसमंद। एक लाइन और लिखना, 1681 में इसने औरंगजेब से संधि की। 1681 में इसने औरंगजेब से संधि की। 1681 में इसने 1681 में इसने औरंगजेब से क्या करी? संधि की। एक लाइन और लिखो, मेवाड़ पर से पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त करवाने वाला, मेवाड़ पर से पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त करवाने वाला
शासक यही था। लिख लिया बेटा, एक लाइन और लिखो कि इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील को अंडरलाइन कर लेना बेटा और इसमें लिखना एक एक लाइन से। इसने जयसमंद झील का क्या करवाया बेटा? निर्माण। लिखो भाई साहब उद्देश्य, किस उद्देश्य से करवाया था? अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य। लिख लिया भाई, सन 1687 से 91 बेटा 1687 टू 91 नदी गोमती, नदी कौन सी थी? गोमती। लिख लिया, एक लाइन और लिखो, सात टापू स्थित हैं। इस झील के किनारे कितने टापू स्थित हैं बेटा? सात टापू स्थित हैं। वो तो आपने लिख लिया होगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सबसे बड़ा लिख लो बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा राम प्यारी। कौन सी प्यारी? राम प्यारी। सॉरी बाबा मत लिखे, बाबा का भाखड़ा लिख रही है। सबसे बड़ा बाबा और सबसे छोटा प्यारी, बाबा का भाखड़ा और प्यारी। एक लाइन और लिखना, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है भाई? कृत्रिम झील है। मीठे पानी की कृत्रिम झील है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710, महाराणा अमर सिंह में लिखना है 1698 से 1710। इसको एक बार समझ लेना, उसके बाद में उतारना भाई। महाराणा अमर सिंह की बात करी जाए तो यह आपका मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक हुआ था जिसने सबसे पहले तीन रियासतों को, कितनी रियासतों को? तीन रियासतों को एकता के सूत्र में बांधा। तीन रियासतों में बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पर आमेर। कौन सी? अरे कौन सी? नंबर दो मारवाड़। कौन सी? नंबर तीन मेवाड़। कौन सी? क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय अमर सिंह राजगद्दी पर बैठा हुआ था उस समय इसके समकालीन जो मुगल शासक था, कौन सा शासक? उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था भाई? अरे क्या नाम था? और औरंगजेब था, वो सबसे कट्टर शासक माना जाता है भाई। अगर जिस आदमी ने इसकी कोई नीति नहीं मानी वो कभी राजा नहीं रहा, ये इसका सबसे बड़ा रूल था। कहते हैं कि भाई साहब आमेर के बहुत अच्छे संबंध थे मुगलों से, और औरंगजेब घोषणा करके भी गया था कि भाई आमेर का जो अगला शासक होगा वो जयसिंह होगा। प्रॉब्लम ये थी कि जब औरंगजेब मरा था तो औरंगजेब के सात औलाद थी गलती से। कितनी थी? आजम, मुअज्जम, फर्रुख सियार, इधर को अगर बात करा जाए शहजादा अकबर द्वितीय। उनमें से दो बड़े कट्टर थे जिनमें से एक का नाम तो था आजम। क्या नाम था? अरे कौन सा? और दूसरे का नाम था मुअज्जम। ठीक है भाई, अगर बात करी जाए किसको लेकर के, आमेर के राजाओं को लेकर के, तो यहां पर भी दो थे बेटा। कितने थे? दो राजा थे, एक तो विजय सिंह और एक जय सिंह। नाम बदल दिया गया था, हमारे विजय सिंह का नाम तो रख दिया जय सिंह, और जय सिंह का नाम क्या रख दिया? अब बात यह थी कि सन 1707 ईस्वी के अंदर जब औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के इन दोनों बेटों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था कौन सा? जाऊज का युद्ध। कौन सा? जाऊज। और जाऊज का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1707 में।
जाऊज नाम का स्थान पड़ता है आगरा के पास। इस युद्ध में आजम का साथ देने वाला तो था जयसिंह और मुअज्जम का साथ देने वाला था विजय सिंह। इस युद्ध में जीता कौन? जीत गया। अब मुअज्जम जीतेगा तो आदमी को तो उसको राजा बनाएगा जिसने साथ दिया। इसने जयसिंह को पद से हटाया और किसको राजा बना दिया? विजय सिंह। तो आमेर से तो बेदखल हो चुका था कौन? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह था जिसको पद से बेदखल कर रखा। मारवाड़ का राजा हुआ था महाराजा जसवंत सिंह, जिसके दरबार में दुर्गादास राठौड़ मोनोत नैन्सी जैसे दरबारी विद्वान रहा करते थे। मोनोत नैन्सी को सबसे पहले मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा था। दुर्गादास राठौड़ जिसको भाई साहब कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूसीलेस कहा था। यूसीलेस का मतलब होता है महान योद्धा। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ की प्रशंसा करते हुए उसने एक बात भी बोली थी कि अगर राजस्थान में कोई भी गर्भवती महिला अगर किसी बच्चे को जन्म दे तो भगवान से एक ही दुआ करे कि हेमा पूत जने तो ऐसा जन जैसा दुर्गा। हेमा पूत जने तो ऐसा जन जैसा दुर्गा। अरे मैं पूछ रहा हूं क्या कहा था उसने कि हेमा पूत जने तो ऐसा जन जैसा दुर्गा। तो मतलब तुम लोग दुर्गादास से कम हो गया। जो जो बच्चे बोल नहीं रहे ना वो तो सारे दुर्गादास है। दुर्गादास वो व्यक्ति था, कहते हैं ना कि बेटा कि बच्चे तो अपने माँ का दूध का कर्ज चुकाने तक से मुकर जाते हैं। दुर्गादास तो वो था जिसने नमक का कर्ज भी सूद समेत अदा किया था। इस बंदे ने मरते हुए जसवंत सिंह को यह वचन दिया था कि महाराज तेरे मरने के बाद चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मारवाड़ का अगला शासक तेरा ही बेटा होगा जिसका नाम होगा अजीत सिंह। मारवाड़ खालसा भूमि थी उस समय, औरंगजेब का अधिकार था, उसके बावजूद भी इसने 30 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। कहते हैं कि उस समय मारवाड़ का शासक था कौन? अजीत सिंह। और इन दोनों के दोनों को मुगलों ने शासक मानने से क्या कर रखा था इनका? उस समय नजर पड़ी थी मेवाड़ के शासक किसकी? अमर सिंह की। अमर सिंह ने हाथों हाथ आमेर का शासक जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बनाने के लिए इसने भाई साहब सन 1708 ईस्वी के अंदर एक समझौता बुलाया था जिसका नाम था देबारी। कौन सा समझौता? देबारी नाम का स्थान पड़ता है उदयपुर के अंदर। ज्यादातर किताबों में इसको 1707 बताते हैं, ठीक है ना, लेकिन 1708 में हुआ था। इस समझौते के अंदर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने यह निर्णय लिया था कि भाई आमेर का शासक कौन होगा? जयसिंह। और मारवाड़ का शासक कौन होगा? अजीत सिंह। जैसे यह निर्णय हुआ, देवारी समझौता हुआ, हाथों हाथ इसको एक विश्वास और था अमर सिंह को कि कल के दिन ये रिश्ता टूट ना जाए। इसलिए भाई साहब जो अमर सिंह था इसकी बेटी का नाम था चंद्रकमरी। क्या नाम था? अरे क्या नाम था? चंद्रकमरी का विवाह इसने किससे करवा दिया? जयसिंह से। ये कहते हुए करवा दिया कि मैं मेरी बेटी की शादी करवा रहा हूं, तेरे को समधि बना रहा हूं, तेरा ससुर भी हो गए मैं, ठीक है मेवाड़ से तेरे संबंध बन रहे हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि मेरी बेटी की गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान ही आमेर का अगला शासक हो। ईशोई हमारा कौन? अजीत सिंह की लड़की थी, उसका नाम था इंदिरा कुमार। भाई साहब अजीत सिंह राजी हो गए ना कि भाई तेरा चक्कर में मेरा भी नंबर आओ राजा बनवा को। सीधी सी बात है, मैं मेरी बेटी की शादी भी किससे करवा रहा हूं? तेरे से करवा रहा हूं। लेकिन याने भी कह दी कि शर्त यह होगी कि मेरी बेटी की गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो बेटा होगा वही आमेर का अगला राजा होगा। जयसिंह ना सोच रही भगवान के सोन ब्याह तो कर लिया बाद में भुगतता रही अपना। इसने आता दोनों से शादी करी, गलती से दोनों का बेटा पैदा हो गया, एक का ईश्वरी सिंह और एक का माधो सिंह। हुआ था ना? और चीज मां कर रहा है, हुआ था। गुड़ लेने गया था क्या? हुआ था भाई। इनके बीच में एक युद्ध भी हुआ था, राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो ध्यान रखना इसने कुछ नहीं करवाया। अमर सिंह के बारे में एक चीज याद रखोगे कि सबसे पहले तीन रियासतों को एकता के सूत्र में बांधने वाला राजा कौन था? अमर सिंह के शासनकाल में कौन सा समझौता हुआ? देबारी नाम का स्थान कहां पड़ता है? कब हुआ था बेटा? अमर सिंह के समकालीन मुगल शासक कौन था? अरे कौन था? सबसे पहले अमर सिंह मेवाड़ का वो राजा था जिसने सबसे पहले आमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे, ठीक है भाई। आमेर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला मेवाड़ का राजपूत राजा था वो कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह ने अपनी बेटी किसका? चंद्रकमरी का विवाह किससे करवाया था? जयसिंह से। और जयसिंह ही वो राजा हुआ था जिसके शासन काल में आमेर में गृह क्लेश की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला गृह क्लेश हुआ था ना वो जयसिंह के समय शुरू हुआ। गृह क्लेश का मतलब राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी युद्ध, इसी के समय शुरू हुआ। तीन चीज याद है, कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा बताना नहीं है, समझाना पूरा है। दोबारा देख लो भाई साहब, सबसे पहले तीन बड़ी बड़ी रियासतों को एकता के सूत्र में बांधने वाला राजा कौन? कौन कौन सी रियासत को बांधा?
क्लियर है भाई। आमेर का राजा कौन था, मारवाड़ का राजा कौन भाई साहब, इसने तीनों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कौन सा समझौता करवाया, देवारी नाम का स्थान कहाँ है, कब हुआ था भाई, भाई साहब अमर सिंह ने अपनी बेटी किसका किससे करवाया था, जय सिंह से, किससे करवाया, जय सिंह से। लिखो एक ही लाइन लिख दो, मेवाड़ का पहला शासक जिसने मेवाड़ का पहला शासक जिसने तीन रियासतों को कितनी रियासतों को तीन रियासतों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, कौन से सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तीनों का नाम लिख लोगे बेटा, आमेर के आगे ब्रैकेट में लिख लेना जयसिंह, मारवाड़ के आगे अजीत सिंह, और मेवाड़ का खुद लिख लेना कौन है, अमर सिंह, तीनों का राजा और तीनों रियासतों के नाम। इसी के समय 1708 में देवारी समझौते का क्या हुआ भाई, आयोजन हुआ। लिख लिया, एक लाइन और लिखो, देवारी समझौते के बाद अमर सिंह ने देवारी समझौते के बाद अमर सिंह ने देवारी समझौते के बाद अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकमरी का विवाह अपनी पुत्री चंद्रकमरी का विवाह लिख ले बेटा सवाई जयसिंह से करवाते हुए सवाई जयसिंह से करवाते हुए आमेर में गृह कलेश आमेर में गृह कलेश के बीज बोए लिख ले बेटा, इसके बाद में लिखो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ये ज्यादा बड़े राजा नहीं रहे अब, लिख लिया भाई 1710 से 1700 लिख लिया, बहुत अच्छा राजा था भाई, शादी हुई थी इसकी, शादी में एक पत्नी तो थी उसकी, सात प्रिय सहेलियां और थी उनको लाई थी, सहेलियों का बाड़ी का नाम नहीं सुना, सुनाएगा वो इसीलिए बनाए,
इसकी वाइफ ने आते ही कह दिया नहीं कि मेरी सहेलियां मेरे साथ रहेंगी, ठीक है रख लेना, मेरी सहेलियों के लिए आपको अलग महल बनवाना पड़ेगा, नहीं हुआ कि तो टेंशन नहीं, मतलब मैं यहां भी बनवाऊंगा, ठीक है भाई। सहेलियों की बाड़ी, काफी बार क्वेश्चन आता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया, क्वेश्चन ये भी आता है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कितनी महिलाओं के याद में किया गया, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात यह थी कि महाराणा संग्राम सिंह की अगर बात करी जाए तो महाराणा संग्राम सिंह के कारण बस दो ही चीजों के लिए प्रसिद्ध है मैन रूप से, एक तो इसने किसका कराया, किसका भाई, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, कहां पर है बेटा, फतेह सागर झील के किनारे, किसके किनारे, बोले तो उदयपुर के, नंबर एक काम। नंबर दूसरे भी इसने क्या करवाया, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण, कौन से का भाई, नंबर तीन पे क्या करवाया, वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति का निर्माण, ठीक है भाई। चौथे नंबर पर जगदीश मंदिर की मरम्मत, जगदीश मंदिर की क्या करवाई थी इसने, मरम्मत, ये तीन काम तो इसने स्थापत्य कला में करवाए थे। इसके बाद में इसने करवाया था कि इसी के समय सबसे पहले मराठों का, किसका भाई, मराठों का राजस्थान में क्या हुआ था, प्रवेश, मराठों का राजस्थान में क्या, ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि राजस्थान में सबसे पहले मराठा आए थे बूंदी के अंदर, क्वेश्चन तीन याद रखोगे बैक टू बैक, राजस्थान में मराठों का प्रवेश कहां से माना जाता है, बूंदी से, मराठों ने सबसे पहले चौथकर कौन सी रियासत से वसूला, मेवाड़ से, और मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में युद्ध किससे करा, आमेर से, तीनों याद रह जाएंगे, सबसे पहले कहां आया, बूंदी, सबसे पहले कर कहां से वसूला, मेवाड़, सबसे पहले युद्ध किससे लड़ा, और तुमको पता है कि आमेर को और इनको एकता के सूत्र में, ठीक है भाई, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास अमर सिंह कर ही गया था, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मारवाड़, मेवाड़ और आमेर तीनों हरदुख सुख में साथ थे। अब प्रॉब्लम यह थी कि सबसे पहले मराठों ने जब युद्ध लड़ा था यहां पर किसके साथ, आमेर से, तो उस समय आमेर का शासक कौन था, सवाई जयसिंह, जयसिंह इस युद्ध में क्या हो गया, पराजित, क्या हो गया था भाई, जयसिंह आ रहा था, जयसिंह के पराजित हो जाने के बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने परमानेंट मेवाड़ में से, मतलब राजस्थान में से मराठों को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई थी जिसका नाम था ओरडा सम्मेलन, कौन सा, ओरडा सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई थी, हुआ नहीं था, ओरडा सम्मेलन के आयोजन होने की डेट फिक्स यही करके गया था 17 जुलाई, कितना जुलाई, 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन आपातकालीन परिस्थिति में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद में मरते ही राजगद्दी पर बैठा था कौन, जगत सिंह, कौन बैठा था, अरे कौन बैठा था, जगत सिंह प्रथम, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। अमर सिंह का बेटा सबसे पहले किसका निर्माण करवाया, सहेलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है, फतेह सागर झील, इसके बाद में कौन सा मंदिर, उसके बाद में कौन सी प्रशस्ति, जगदीश मंदिर का क्या करवाया इसने, पुनः मरम्मत, इसके समय सबसे पहले राजस्थान में कौन आए, उस समय भाई साहब मराठों से सबसे पहले पराजित कौन हुआ था, जयसिंह, राजस्थान में से मराठों को बाहर निकालने के लिए इसने कौन सा सम्मेलन की योजना बनाई, ओरडा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, ओरडा। लिखो, चार पांच लाइन है, छोटे छोटे राजा हैं ये, ठीक है भाई, एक एक लाइन उतार लोगे या बोलूं, नहीं उतारोगे ना, लिख लो भाई, लिखो भाई, इसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, लिख रहे बेटा, इसने किसका निर्माण करवाया, सहेलियों की बाड़ी को अंडरलाइन करके लिखना, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, लिख लिया भाई, लिख लिया बेटा, एक लाइन और लिखो कि इसने 1719 में, इसने 1719 में
वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और वैद्यनाथ प्रशस्ति की रचना करवाई। और किसकी भाई? वैद्यनाथ प्रशस्ति की रचना करवाई। लिख दे बेटा, एक लाइन और लिखो। इसने जगदीश मंदिर की मरम्मत भी करवाई। लिख ले बेटा, एक लाइन और लिखो कि इसी के समय, इसी के समय सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ। इसी के समय सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आगमन हुआ। लिख लिया भाई, एक लाइन और लिखो कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के उद्देश्य से इसने हुरडा सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई। क्योंकि हुरडा सम्मेलन को डिटेल से आगे पढ़ाएंगे उसमें जगत सिंह में, हुरडा सम्मेलन को बुलाने की योजना बनाई। परंतु इस सम्मेलन के आयोजन होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई। परंतु इस सम्मेलन के आयोजन होने से पहले इनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। ओके दोस्तों, ओके बेटा, ओके पक्का याद रखूंगा, नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, है ना, अब नहीं रख।